दोस्तों, अगर आपने बचपन में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है और अब कंडीशन ऐसी आ गई कि आपका जो लिंग है पेनिस है वो सिकुड़ गया है, तनाव नहीं आ पाता है, नसें कमजोर हो चुकी हैं, तो डरिए मत, घबराइए मत, आपको पछताने की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसा नुस्खा, आज एक ऐसा टोटका बताऊंगा कि आपकी बंद नसें खुल जाएंगी, पेनिस में तनाव आ जाएगा, कड़कपन आ जाएगा और नसें मजबूत हो जाएंगी। अगर आप 60 साल या 60 साल से ऊपर के हैं, एजिड हैं, तो भी इस नुस्खे को अपना सकते हैं, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अब इस नुस्खे को बनाने का तरीका समझ लीजिएगा, घर पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको बाहर से ज्यादा महंगी दामों में परचेज करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको लेनी है एक कटोरी दही, और दही होनी चाहिए मीठी और ताजी। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले दही है या फिर आप कहीं डेयरी से लिया खट्टी दही है, वो काम नहीं करेगी। अपने घर पर ही जमा लीजिएगा एक कटोरी दही, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ताजी ताजी जमाते रहिएगा, रात में जमा करके छोड़ दी, दिन में आपने इस्तेमाल कर ली। तो एक कटोरी आपको दही लेनी है, इसमें आपको 3 चम्मच शहद के मिलाने हैं, और तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है 4 कली लहसुन की। अब इसको मिक्स कर लीजिए, पेस्ट जो होगा लहसुन का कस करके वो मिला लीजिएगा, या कली के साथ ही आप खाना चाहें जैसा भी आपको अच्छा लगे, कस के मिला लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, स्वाद भी बेकार नहीं लगेगा। इसको मिला करके अच्छा सा एक नाश्ते के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आपको इसको इस्तेमाल करना होता है, रात को मत लें इसे, सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करें। इसे आपको कब तक इस्तेमाल करना, देखिए 20 दिन कम से कम आप इसको इस्तेमाल करें। 20 दिन के बाद आप जब देखेंगे कि आपको एक अलग ही एहसास होगा, जो पेनिस है जो कमजोर था, जिसमें जान नहीं थी, वो बेजान पेनिस आपका मजबूत हो जाएगा और हरकत में आ जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन टोटका है, इसे आप अपना सकते हैं। अच्छा, कब तक ले सकते हैं, उसके बाद कोई गैप करना है या नहीं करना है, देखिए आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई आपको इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो वो डरने वाली बात नहीं कि हमें गैप करना है नहीं करना है। चाहे आप करें चाहे ना करें, आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थोड़ी सी आपको जो यहाँ पर सावधानी बरतनी है वो ये है कि इस दौरान आप मास्टरबेशन ना करें। जो कुंवारे हैं या फिर जो शादीशुदा हैं, वो अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको चीज बताई कि दही मीठी होनी चाहिए, खट्टी दही होगी तो देखिए वो आपको सर्दी भी लगा सकती है, सर्दियों का मौसम है, तो वो चीज आप ना करें। मीठी ताजी दही होगी वो आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो इसे आप दिन में एक बार इस्तेमाल करना है आपको, सुबह खाली पेट करेंगे तो भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, या फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद आप ले लेंगे तो भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सारे जवाब देने की कोशिश करता हूं। वीडियो पढ़ने हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल पढ़ने हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।